बिग बॉस के घर से फाइनली हुई आज वो लड़की बाहर, जिसने मार मार के ना सही लेकिन अपनी बातों से जरूर लोगों को मोर बना दिया, कभी शायरी से, कभी एंटरटेनमेंट से, और कभी अपने गुस्सेल स्वभाव से लोगों को उन्होंने खूब एंटरटेन किया। लेकिन आज उनका सफर यहाँ पे खत्म होता है। आज हमारे साथ अर्चना गौतम है। अर्चना, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग डीएनए। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया, आप बताओ क्या हाल है, क्या चल रहा है? भैया अभी तो कुछ नहीं चल रहा, बस मस्ती चल रही है क्योंकि बाहर का माहौल देख के बहुत गर्मी है, गर्मा गर्म माहौल है बाहर, तो बड़ा मजा आ रहा है मुझे। और ये जो फेम है, इतने सारे कैमरा, इतने सारे लोग सब आ रहे हैं, ये सब जो है ये नई चीज है, इसके बारे में क्या कहना है? भैया सेलिब्रिटी बननी है, अब तो मजा आ रहा है, मुझे लड्डू फूट रहे मेरे अंदर। अच्छा अर्चना, आपकी अगर जर्नी की मैं बात करूँ तो ऐसे मोड थे जब आपने बहुत हमको हंसाया, मजा आया, स्पेशली आपका जो टीना की मम्मी के साथ जो आपने किया था, वो तो एक बाहर जाके अकेला चलो वो तो एक मीम बन गया। बट ऐसे भी मोमेंट्स आए जब आपने ऐसी हरकतें की कि हम सब बोले अरे यार ये क्या किया, वो बहुत हुआ है। मतलब स्पेशली हमने जब लास्ट का टास्क देखा था टॉर्चर वाला, मतलब आप ये मानिए कि नसीब आपके साथ था, क्योंकि अगर शिव को कुछ परमानेंट डैमेज हो जाता तो आपका जो सफर था, जो आपका सपना था, वो वहीं खत्म हो सकता था। डू यू एग्री विद दिस? या बट मैं वही बोलती थी उसको नहीं होता था, क्योंकि मैंने सिर्फ हल्दी डाली थी। और मुझे, आपको पता होगा, जब हमारे यहाँ पे शादियाँ होती हैं तो लड़के के ना हल्दी डालते हैं और ऐसे लगाते हैं, जब ज़्यादा लगाती है ना औरतें तो कभी कभी हल्दी आँख में भी चली जाती, तो ऐसे हाँ, तो उसमें भी अगर हल्दी जाती तो कोई दिक्कत नहीं थी। और पता है मैं इस वजह से मार रही थी क्योंकि मेरे पास सरफ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ हल्दी थी। बट सरफ भी तो मारा नहीं, सरफ हल्दी दोनों मारा ना। हाँ। वो एक्चुअली वो क्या है, कैमरे पे ऐसा लगा वो लाल 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 लाल। क्या आपको एक दिन पहले आप चाहे क्या निमृत ने, शिव ने हमें टॉर्चर नहीं किया? क्या हमारे कान पे नहीं मारा? क्या हमारी आंखों में सरफ नहीं मारा? क्योंकि उसने पानी मारा तो आपको दिखा नहीं, बट मेरे आंख में गया। और यहाँ तक कि प्रियंका के यहाँ तक इतना जख्म हो गया, पूरी नाक उसकी टूट गई, तब भी उस बंदी ने कुछ नहीं बोला, मैंने नहीं बोला। बट मैं मानती हूँ कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि इंसान को मतलब होता है, बट मैं उस चीज़ पे नहीं है कि मैंने उस चीज़ का ठीक है सॉरी मांग ली। बट मुझे एक चीज़ का रिग्रेट बहुत ज़्यादा है कि वो जो मैं बर्फ़ की जगह में वो मछली ले आई थी, क्योंकि उन लोगों ने बर्फ़ पता नहीं कहाँ डाल दी थी, पता नहीं। बट उस चीज़ का है कि मुझे वो मछली नहीं लानी चाहिए थी, उस चीज़ का मुझे है। बट ये मैंने टास्क में छोटा मोटा होता रहता है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं, ऐसा नहीं है शुरुआत उन्होंने की, वरना मुझे तो ये भी नहीं पता था ये टास्क होता कैसे है, सरफ कैसे मारते, क्या उन्होंने ही मुझे सिखाया। ठीक है, तो अगर मैं अभी आपके सफर की अगर मैं बात करूँ, सो ऐसा था कि एक 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 तरफ आप, एक तरफ प्रियंका, जिन्होंने मतलब मुद्दे सही उठाए, आवाज़ें उठाई अपने लिए और एक अपने स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी दिखाई घर पे। लेकिन फिर जब हम देखते हैं कि एमसी स्टैन जब वो विनर बन जाते हैं, एक ऐसा कंटेस्टेंट जो शुरुआती के कम से कम एक महीने वो घर जाना चाहते थे, फिर लास्ट में खुद बोल रहे थे कि मैं दो दिन पहले गेम समझा, दो महीने जा तो वो बोल रहे लास्ट में मैं गेम समझा। डू यू थिंक दिस इज जस्टिफाइड कि हाँ भी एक ऐसा विनर भी होता है कि जहाँ पे मतलब लोगों ने मतलब जो एक तरफ वो है जिन्होंने पूरी गेम पूरे जितने चार महीने रहे मेहनत की है, दूसरी तरफ वो जो लास्ट में गेम समझ गया निकल गया। भैया एक क्रिकेट तो देखा होगा आपने, लास्ट बॉल पे जो छक्का मारते हैं उसको बोलते मैच ऑफ द विनर, मैन ऑफ द मैच। हाँ मैन ऑफ द मैच, तो वही हो गया क्योंकि भैया अब दूसरा जो जिन्होंने ज़्यादा रन बनाए उनको कोई नहीं पूछता, भाई जो लास्ट बॉल पे 6 रन की ज़रूरत है और उसने 6 रन मार दिए उसको पूछेंगे, तो भैया हमारे साथ भी ऐसे हुआ है कि नहीं। बट कोई बात नहीं, चलता, क्योंकि जनता बहुत बड़ी है, उन्होंने उनको वोट दी, इसका मतलब कुछ तो है ना, कुछ तो है, ऐवी तो नहीं है कि वोट मिल गई उसको। बट मैं बहुत खुश हूँ कि वो ट्रॉफी जीता, तो आई एम हैप्पी। सलमान खान ने ना बहुत बार फटकार लगाई आपको, है भले आपकी आवाज़ के लिए हो, लफड़े के लिए हो, बहुत कुछ हुआ है, तो आप एक बात बताएं, नाउ जब आप बाहर निकल रही है, डू यू थिंक कि एज अ पर्सन आप इवॉल्व हुए हो, अपने आप में काफ़ी सुधार लाया? हाँ मैंने सुधार लाया, आपने भी देखा होगा, क्योंकि पहले मैं चीज़ें बोल देती थी तो मुझे पता नहीं चलता, अभी मैं चीज़ें सोच समझ के बोलती, देखो इंसान हूँ गलती तो होती है, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो सुधारेगा नहीं, वो सुधारेगा। और अब मैं बाहर निकल गई हूँ तो शायद मैं एपिसोड देखूँगी तो मुझे रियल में गलतियाँ पता चलेगी, क्योंकि लोग होंगे मेरे पास बताने के लिए मेरी गलतियाँ, मैं और ज़्यादा सुधारूंगी, क्योंकि देखो इंसान हूँ गलतियाँ होती हैं। बट मैंने सलमान सर की जो फटकार उन्होंने लगाई मुझे, वो मुझे पूरी ज़िंदगी भर याद रहेगी, और शायद मैं जो चेंज हुई हूँ सलमान सर की बदौलत। सो आप एक बात बताएं, एक सवाल ये भी बनता है कि घर के आपके स्टंट के दौरान एक बार आपका विकास का बहुत भारी एक झगड़ा हो गया था, जिसके दौरान आपने जो एक उनसे आपने उन्होंने आपसे एक पर्सनल बात शेयर की थी, जिसका आपने बाद में एक मुद्दा बना के आपने उनको थोड़ा सा उसके बारे में बता दिया था, वो कहीं ना कहीं उनको बात बड़ी लगी। मैंने जब विकास से बात की थी तभी उन्होंने मुझसे कहा था कि कुछ भी हो जाए मैं उनसे कभी मिलना नहीं चाहूँगा। सो अगर इफ़ यू थिंक कि अगर विकास ये इंटरव्यू देख रहे होंगे तो आप उनको क्या कहना चाहें? मैं अभी विकास की और विकास की वाइफ से मिल के आई हूँ,
और विकास की वाइफ से मैं सॉरी भी मांग के आई हूँ। एक्चुअली वो था क्या, जब उसने बोला था अपने बाप को देख ले, तब मैंने बोला, मैंने कहा तू पहले बाप की रिस्पेक्ट तो कर, तभी तो तू बाप नहीं बन पाया। ये मैंने बहुत गलत बोला था, उस चीज़ की मैंने उससे माफ़ी भी मांगी है, ये मुझे एक रिग्रेट रहेगा। बट उसके साथ साथ आज मैं जब मैं उसकी वाइफ से मिली, मैंने उसकी वाइफ को दिल से दुआ दी और उसको भी दुआ दी थी जब वो गया था कि तुम्हारे घर में एक नन्ना सा बच्चा खिलखिलाए इस साल। तो मैं बस यही दुआ करती हूँ कि भगवान उसकी गोद भर दे, भगवान मेरा ये जो मैंने जो किया है ये मैं तब मतलब रिलैक्स रहूँगी इस चीज़ से। व्हाट्स नेक्स्ट फॉर अर्चना गौतम, अब अगली बार क्या है, कौन सा धमाका है? बस अभी मैं मूवी का वेट कर रही हूँ, क्योंकि मैंने एक पंजाबी फिल्म और एक साउथ की और एक हिंदी, मैंने मतलब ऐसे बात चल रही थी मेरी, तो अभी मुझे पता नहीं है, व्हाट्सएप अभी मैं जाके देखूंगी कि क्या मुझे मिल रहा है मूवी वगैरह, तो मे भी शायद आप मुझे अच्छी मूवी में देखें। चलो हम उम्मीद करते हैं कि हम आपको मूवी में देखें और वहाँ पे आपको जैसा ना कर दीजिएगा कि हम बोले क्या चल रहा है भैया। चलो फिर लुकिंग फॉरवर्ड, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, दैट्स इट फ्रॉम DNA, keep watching.